रतन जी ये बताइए कि आपकी पोती की शादी थी। जी हाँ, मेरी पोती शादी थी किस तारीख डेट में, तो किस तरह से शादी हुई और क्या चीजें, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, या बाराती किस तरह से पहुंची ये बताइए मुझे। देखो जी, बारात तो मेरे जो आनी थी लड़की पोती की बारात, वो टाइम पे नहीं आ सकी, और जिस उम्मीद से हम बारात का इंतजार कर रहे थे वे 50-100 आदमी आएंगे, वहाँ सिर्फ 3 आदमी आए है ना, वो भी ऐसा अपने गांव से, बारे गांव से पटौदी तक तो मोटरसाइकिल पे आए, और वहाँ से उन्हें फिर गाड़ी पकड़ गए, और रात को 9:05 पे आए वे लोग है ना। और जब तक तो गांव वाले निपटा दिए थे, खाने साने दिक्कत थी, लेकिन को रात को फिर अपने पोते को बुला के हमारे इमाम निकाह दे दिया, और निकाह देने के बाद फिर रात को रोक लिया भी कभी अल्लाह गुल्ला हो जा, सुबह 5 उसको विदा किया है ना। सर जी, हमारी जो बारात थी वो दिन में 12 आनी थी, हमने उसका इंतजार करते करते रात को 9:05 पे कुल 3 आदमी आए जी, और रात को ही हमने निकाह करवाया। क्या आपने उम्मीदें रखी थी अपने बच्ची की शादी के लिए, क्या करने का आपने सोचा था? सर जी, उम्मीद तो बहुत थी, गरीब आदमी क्या करता, इधर उधर से अपना कर्जा उर्जा लेके अपनी बच्ची को सोचता कि ये दूं वो दूं, जो भी सोचा था तो दिल के दिल में ही रहेगा जी, कुछ भी नहीं किया, खाली लड़की को निकाह दिया है, जो भी सामान था हमारा वो सब ऐसे के ऐसे रह गया। अब 2-4 दिन में जब माहौल खुलेगा तब उनको लोगों को वहाँ से बुलाएंगे, 10-5 आदमियों को, और जब जी लड़की को और सामान को विदा करेंगे अच्छी तरह। आपको उम्मीद थी कि कम से कम लड़का भी पहुँच पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें कि लड़का भी पहुँच पाएगा, हमने तो ये सोचा था जी अगर लड़का नहीं पहुँचेगा किसी न किसी तरीके से, मोबाइल से या इंटरनेट से ये निकाह करवाएंगे जी। करनी पड़ी इस तरह की, जो उम्मीद थी, जो खुशी थी, वो नहीं हो सकी। जिस तरह की रौनक आपने सोची होगी कि आपकी शादी है जी, वो उस तरह की वो मन के मन में रहेगी साहब, जो उम्मीद लगा रहे थे, सारा कबीले वाले तैयार थे, लेकिन जार देखते देखते मायूस हो गए, वो काम होया।